नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है और उन्होंने जो व्हाट्सअप किया है मैसेज, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, फिर अपन उसके प्लान पर डिस्कस करेंगे। नमस्कार गुरु जी, मैं लगभग एक महीने से आपके वीडियो देख रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगे। आप हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। गुरु जी, मैं आपको मेरे घर का प्लान भेज रही हूँ, कृपया आप बताएं कि ये प्लान कैसा है। आज के 10 वर्ष पूर्व हमने बना हुआ मकान खरीदा था, जब सेलर ने हमें अपने घर का आधा हिस्सा सेल किया था और बाकी अब पिछले वर्ष हमने खरीद लिया है, बाकी जो बचा उसको खरीद लिया है। अब मैं इन दोनों हिस्सों को मिलाकर वापस एक करना चाहती हूँ। आप बताएं कि ये सही है या नहीं। अगले वर्ष मैं अपने पुत्र का विवाह करना चाहती हूँ, तो उसे कौन सा रूम देना है ताकि घर में आपसी तालमेल बना रहे। कृपया मार्गदर्शन देवें। अजमेर राजस्थान से भेजा है इन्होंने, नाम लिखा है इन्होंने अपना, और इसमें आपको क्लियर होगा कि पुराना हिस्सा इतना था और बाकी अभी नया ये वाला है, यानी इनके पास पहले ये हिस्सा था और अब ये सेलर ने तो बाकी हिस्सा ने अब ये लिया है। ये उत्तर है, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो इनके पास था ये हिस्सा। अब इतने हिस्से में हम कह सकते हैं कि इनका जो है ये बड़ा हुआ था दक्षिण अग्नेय। अग्नेय दिशा बड़ी थी तो ये शुभ होता है, कोई दिक्कत नहीं, अग्नेय बढ़ना अच्छी बात है, कोई वास्तु दोष नहीं आता, शुभ है ये। इतना रहे और अब हालात ऐसे बने कि उन्होंने ये आलम पोर्शन भी ले लिया, जबकि ये पोर्शन इससे बड़ा दिख रहा है, इससे लगभग दुगने के बराबर है। पर क्या हुआ इनके लिए कि इनका जो था ये नॉर्थ, यहाँ पर इनका जो है बोर है, ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है या सेप्टिक टैंक है, ठीक है। और तो ये जो चीज़ें हैं ये ईशान में आ गई, और अब यहाँ ये क्लियर नहीं करा उन्होंने कि यहाँ पर ये जो पैसेज जैसा जो दिख रहा है थोड़ा सा, ये आपस में कनेक्टेड था कि नहीं, ठीक है ना। पर पैसा इससे तो आ जाता है। यदि ये बिल्कुल आइसोलेट था तो फिर ये हो गया था इनके घर में अग्नि कोण में, तो ये हो जाता है विवादों कलह का कारण। और यदि ये कहीं से भी कनेक्टिविटी थी इसमें, यहाँ पर से होता है ना कनेक्टिविटी आ जाए, सड़क से नहीं, सड़क से तो होती है, इनने गेट यहाँ लिखा है, कनेक्टिविटी आ जाए तो फिर ये पूर्व दिशा का हो गया, तो ये शुभ हो गया। और ये शुभ होता है तो इनको भी लाभ होता, पर मुझे लगता है कि स्थिति ऐसी होगी कि ये दीवार होगी यहाँ पर, जो समझ में आ रहा है। एक दूसरा, इनका किचन जो है नॉर्थ में, नॉर्थ का किचन रहता है तो घर की महिलाएं समझदार होती हैं, घर के पुरुषों को कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, किचन अच्छा है। ये रूम का दरवाज़ा अच्छा है, इस रूम का दरवाज़ा गलत है, ये एंट्री फिर गलत हो गई क्योंकि ये पूर्व अग्नि की एंट्री हो गई, तो ये जरूर कहेंगे कि इनके पैसे की आवक तो रही इन चीज़ों के कारण, पर आपसी विचारों में तालमेल नहीं रहा, विवाद और कलह रहे होंगे। एक ये दरवाज़ा भी सही नहीं है क्योंकि ये नैऋत्य कोण का हो गया, ये पश्चिम, पश्चिम नैऋत्य का हो गया ये। अच्छा, ओपन किचन था तो घर के मुखिया दोस्तों की संख्या कम हुई, होने लगी दोस्तों संख्या कम हो गई, और साथ में जो है रिश्तेदारों से वो संबंध खराब नहीं हो सकता इस कारण, शत्रुता रही, ये भी अपने आप में कारण है ही, रिश्तेदारों से शत्रुता रहती है और कंसीव करने की एज में कोई हो तो उसको दिक्कत आती है। इनका तो 10 साल पहले लिया तो बच्चा शादी लायक हो, तो पहले हो गए होंगे बच्चे, तो पर उस बच्चे की जैसे ग्रोथ आनी चाहिए वैसे ग्रोथ नहीं होती है, दे ऑलरेडी बच्चे तो वैसी ग्रोथ नहीं आती, से आना चाहिए है ना, या दिक्कत आती है ग्रोथ में, रुकावटें आती हैं। टॉयलेट बाथरूम ठीक यहाँ बन सकते हैं, स्टोरेज ने अच्छा करा, किचन से दूर रखा था, दूर से नहीं किचन के अंदर नहीं होना चाहिए, दूर जरूरी नहीं, पास में भी चल सकता था, किचन अलग है। तो देखा ये मकान ऐसा था कि विवाद कला थे, बाकी यहाँ तरक्की करी इन्होंने, पैसे आए। आज जो मेन चीज देखी जाती है पैसा, तो पैसा इस कारण आ जाता है। ये गलतियां थी, विवाद और ये सब बातें थी। अब सवाल आता है कि अब इनने पूरा ले लिया, पूरा ले लिया तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि ये अब इसको तोड़ेंगे, तो ये सेफ्टी टैंक तो मध्य में आ गया, ये यानी इसकी पोजिशन बहुत अच्छी हो गई, ये ऑलरेडी अच्छी जगह है, इनको गेट ये रखना चाहिए, ठीक है ना, ये गेट इन्होंने रखा है। अब इस घर में भी ये समस्या थी, इन्होंने भी गेट रखा था तो पूर्व अग्नि में रखा हुआ था, तो ये विवाद कलह का कारण, तो इनको चाहिए इसको बंद करें। अच्छा, ये रास्ता यहाँ भी है, रास्ता यहाँ भी है, या 15 फीट का रोड या 20 फीट का रोड है।
इनको चाहिए किचन या ना बनाए, ये किचन जो है इनका। अब इस बंदे का जो इस घर में रह रहे थे उनका, एक तो उनका ईशान कौन कट गया, यानी हालात ऐसे बने उनको मकान बेचना पड़ा, उनका ईशान कौन कट गया। उत्तर और उत्तर वायव्य बढ़ गया, ईशान कट गया, इससे क्या हुआ कि हालात ऐसे रहे होंगे, बदनामी हुई होगी, आर्थिक स्थिति जब खराब होती है तो कई बातें हो जाती हैं, ये रहा होगा। एक ये दरवाजा बताता है विवाद और कलह भी रहे होंगे, डिस्प्यूट होंगे लोगों से, कोई यहाँ दिक्कत थी तो ये दरवाजा गलत था तो विवाद कलह भी हुए बहुत। एक दूसरा ये उन्होंने ये मंदिर लिखा है, उनने मंदिर, तो मंदिर वायव्य कोण में ठीक है, यहाँ मंदिर भी कोई अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। लेटरिन बाथरूम ये ओपन एरिया ठीक है, स्टोर ओके, यहाँ स्टोर भी सही था। पर सबसे बड़ी बात थी कि इनके हालात ऐसे बने कि इनका ये हिस्सा कटने के कारण ये मकान बेचना पड़ा इनको, अल्टीमेटली इन्होंने ले लिया, इनके हालात इस कारण अच्छे रहे। एक दूसरा ये किचन यहाँ था तो पूर्व का किचन रहा, तो उस घर के महिला को सब कुछ नाखुश रही होगी, वो भी उनके बाद सही पोर्शन था, ईशान यहाँ तक आ गया तो ये सब पूर्व में आ गया, ठीक है ना। उसे यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम रही होगी, होगी जो रही होगी, यहाँ रह रहे होंगे, और साथ में ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड दिक्कत आती है। अब जब ये मिलाते तो मिलाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लाट है, मिला ले बहुत अच्छी बात है, लिया जा सकता है। एक अब इनके किचन तो ये रखें, इसको क्लोज कर दें, इसको नहीं होता बंद वाला किचन, इसको यहाँ पर दरवाजा देखें, इसको ओपन किचन ना रखें, किचन की बहुत अच्छी पोजिशन है, किचन ये रहने दें, इस किचन को ना वापरें, ये गलत तरीके से रूम बना लें। एक अच्छा उन्होंने एक बात पूछी कि बेटे के लिए, देखिए रूम जब मकान इतना बड़ा बनता है तो आपको कई रूम होते हैं, आप कहीं पे भी प्रॉपर तरीके से वास्तुनुकूल दरवाजा रखते हुए प्लंग प्रॉपर तरीके से लगा दीजिए, कहीं पे बच्चों को सुला सकते हैं, ठीक है ना। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी साउथ वेस्ट में पेरेंट्स को सोना चाहिए, बुजुर्गों को सोना चाहिए, और जो मेरिट कपल ईशान कौन में नहीं सो सकता, कोई खास बात नहीं, कुछ नहीं होता बता दूं आपको, ठीक है ना। और वायव्य कोण में लड़कियों सुलाना चाहिए, गेस्ट जो होते हैं गेस्ट रूम वायव्य कोण में होना चाहिए, वायव्य कोण हो जाएगा इनका पूरा मकान बनने के बाद, ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। अब आइए कि वो जहाँ उनको सुविधाजनक लगे वहाँ अपना बना लें, जहाँ अच्छा लगता है उनको, जहाँ हवा पानी रोशनी ठीक आती रहे। एक तो ध्यान रखना है दरवाज़ा ये नहीं रखना, इसको बंद कर दें। एक यदि इनको पोच रखना है गाड़ी वाड़ी रखने के लिए, इतनी जगह यहाँ नहीं है तो ये रोड भी है तो इसको रख लें। एक किचन यहाँ ना बनाए, किचन ये रहने दें, स्टोर सही जगह पर है, अब इनको जो चेंजेस करना कर लें जो करना है थोड़े बहुत। हाँ अब ये रहेगा, अब पूरा मकान बनने पर पूजा आ जाएगा, यहाँ पर पूजा का स्थल आ जाएगा तो यहाँ से हटा दें। कोई जब यहाँ पूजा का स्थल होता, पश्चिम में पूजा का स्थान रखा गया हो, उस घर का मुखिया जो धर्म के उपदेश तो बहुत देगा परंतु धर्म की अवमानना करता है, लालची होता है और उसे गेस्ट ट्रबल होती है, तो पूजा यहाँ हटाते हुए उनको चाहिए पूर्व में कहीं जगह प्लानिंग करें। अब वो तोड़फोड़ होगी तो ही प्लानिंग होगी, करें पूर्व दिशा में पूजा घर होगा तो घर का मुखिया सात्विक विचारों का होता है और इसी के साथ समाज में इज्जत और प्रसिद्धि पाता है। तो इनको ये मंदिर हटा देना चाहिए यहाँ से, किचन ये नहीं वापरना चाहिए, यदि गाड़ी रखनी चाहिए पोर्च तो यहाँ से बनाए, ये बंद कर दें। पूर्व अग्नि का दरबार द्वार ना रखें, फिर ये द्वार बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा पूर्व दिशा का, ये सही जगह पर हो जाएगा पूरे मकान के लिए, ये सेपरेटिंग भी सही हो जाएगा तो इसके बाद इनके घर में कलह और जो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। दूसरा अब मकान जोड़ते तो ये देख लें कि जोड़ने के बाद पूरे घर का फ्लोर लेवल समतल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इन्होंने अलग से कोई टाइल्स लगाई हो, इन्होंने लगाई हो तो ऊंचा नीचा ना हो जाए। यदि ये नीचा हो रहा हो तो इसे पूरा इसके बराबर कर लें, तो इनका नॉर्थ ईस्ट ऊंचा हो जाएगा और ये हिस्सा नीचा हो जाएगा। मकान जोड़ते वक्त एक बात ध्यान रखने का है कि दो फ्लैट जोड़ते वक्त, मकान जोड़ते वक्त आप उनके फ्लोर लेवल जरूर चेक करें, ये चीज़ें सब चेक करना ही करना है, फ्लोर लेवल ही चेक करना चाहिए, क्योंकि कई बार फ्लोर लेवल कुछ लोग एक्स्ट्रा फ्लोर लगा लेते हैं, कोई वुडन फ्लोर अलग से लगा लेता है तो ऊंचा नीचा हो जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट ऊंचा नहीं होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए सब बाकी वास्तु दोष दूर कर लें इसके, बहुत अच्छा है, यही दो चीज़ें बहुत इनको हेल्प कर जाएंगी। किचन यहाँ है बहुत अच्छी बात है, मुझे उम्मीद है कि आपको भी वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।